नमस्कार, मैं आपका दोस्त रूपचंद साहू और मेरे YouTube चैनल का नाम है आरसी साहू पुणे ब्लॉग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो हमारे महिंद्रा के इलेक्ट्रिक ऑटो खड़ी हुई है और हम इसी के बारे में आज आपको कुछ खास जानकारी देने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हमारे महिंद्रा इलेक्ट्रिक ट्रियोजोर लोडर, अभी हम खड़े हुए हैं मार्केट यार्ड में और अभी हम यहां से लोड करेंगे मक्का, जो कि रहेगा लगभग 800 किलो के आसपास। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि 800 किलो वजन डालने के बाद हमारी गाड़ी कितनी बैटरी खाती है और कितने किलोमीटर चलती है। और दोस्तों, ये हैं हमारे दोस्त सोमचंद और हम बहुत दिनों बाद मिले हैं इनसे, ज़रा बिछड़ गए थे। पहली वीडियो इनके साथ ही हमारी है और इसके बाद हम बिछड़ गए थे और अब मिले हैं लगभग एक साल के बाद। और दोनों लोग अब फिर से जा रहे हैं मार्केट यार्ड अपनी महिंद्रा ट्रियो जो लोडर को लेकर। तो दोस्तों, हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि हमारी महिंद्रा इलेक्ट्रिक कितने किलोमीटर चलेगी, कितना वजन रहेगा और एग्जैक्टली कितनी बैटरी खाती है, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, लोग सस्पेंस में रहते हैं कि सर जी कितने किलोमीटर में कितना बैटरी खाती है, क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हमारी बैटरी फुल चार्ज है, यानी 97 किलोमीटर जा सकती है, जो मीटर में दिखा रहा है। और 14,203 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है और हम लोड करने वाले हैं 800 किलो। और लोड करने के बाद जब हम निकलेंगे अब कुछ देर में, इसके बाद हम खाली करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी बैटरी 14,203 तो टोटल हमारा कितना किलोमीटर हुआ, हमारी गाड़ी में टोटल वजन कितना था और इतना होने के बाद हमारी बैटरी में कितनी खपत हुई है चलने में। तो वो सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में पूरा बने रहें लास्ट तक। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि महिंद्रा इलेक्ट्रिक का बेनिफिट सबको मिल सके। तो दोस्तों, ये है पुणे शहर का मार्केट, जहाँ ये कृषि उत्पन्न बाज़ार बोलते हैं, कृषि बाज़ार, कृषि मंडी है, जहाँ किसानों का अनाज खरीदा जाता है, बेचा जाता है, फल फूल सारा चीज़ यहाँ मिलता है और किराने की बहुत बड़ी दुकान है। दोस्तों, ये है कृषि उत्पन्न बाज़ार समिति पुणे और ये फूल का बाज़ार है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये फलों की दुकानें लगी हुई हैं टोटल। तो दोस्तों, और अब हम आपको दिखाने वाले हैं आगे का। और अब हम एंट्री कर रहे हैं मार्केट यार्ड में गेट नंबर 5 से। और गेट नंबर 5 से हम जा रहे हैं अंदर, हमें मक्का लोड करना है 800 किलो और वो मक्का लेकर हम काल भैरव मंदिर हड़प्सर जाएंगे, राम टेकरी, वहाँ मंदिर है एक काल भैरव जी महाराज का, वहाँ कबूतरों को खिलाने के लिए हम दाना लेके जाएंगे मक्का। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, टेम्पो खड़े हुए हैं, ऑटो रिक्शा है, यहाँ पूरे होलसेल की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े गोडाउन हैं, जहाँ की सभी प्रकार का मटेरियल आपको मिलेगा, किराना से लेके आटा, नमक, तेल, दाल, इसके बाद में सब्जी मंडी भी है अंदर, फूल का भी मंडी है।
तो दोस्तों वीडियो में बने रहें लास्ट तक, तभी आपको पूरी समझ में आएगी वीडियो हमारी कि हमने आज क्या दिखाया है, क्या समझाया है और इससे आपका क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि 800 किलो लोड डालने के बाद में महिंद्रा इलेक्ट्रिक ट्रियो जोर लोडर कितनी बैटरी खाती है, कितने किलोमीटर में कितनी बैटरी खाती है। तो दोस्तों अब हम दुकान पर पहुंचने वाले हैं जहां हमें माल लोड करना है, और यहां से हम जब लोड करके निकलेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे और खाली करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि टोटल हमने कितने किलोमीटर अपनी ऑटो रिक्शा चलाई और कितनी बैटरी हमारी खपत हुई और टोटल हमारा वजन कितना था। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गजानन ट्रेडिंग कंपनी, आप देख सकते हैं। और यहीं से हमें लोड करना है। तो दोस्तों अब फिर हम आपको दिखाएंगे आगे थोड़ा सा, तो हम आपको दिखाते हैं। हम मार्केट यार्ड में खड़े हैं और एक सब फल फ्रूट वाला एक ठेला है उसके सामने हैं हम लोग, और मैं आपको दिखाता हूँ हम अपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ में हैं, फल कैसे हैं क्या हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखें। कैसे है भाई ये आम? 700 रुपये डेढ़ दर्जन। 700 रुपये का डेढ़ दर्जन यानी 18 है ना। तो दोस्तों अगर आपका आम खाने का मन हो रहा है तो ऐसे खा सकते हैं फोटो में देखकर, खा के दिखाओ उनको। और पपई कैसे है भाई? ये तो बहुत लाल हो गए। क्या रेट है किलो में है? क्या कितने रुपये किलो? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। भाई साहब ने 1.5 किलो बना दिया, कितने रुपए का? 60 रुपये। 1.5 किलो 60 रुपए का है। माल दिया हूँ। माल है क्या? आएगा सक्कर का सक्कर। लाल धुपई चलेगी आपको? लाल धुपई बहुत ज़्यादा है वो लाल। और डिस्काउंट कितने? डिस्काउंट बाकी पैसा दे दो। अजय आम वाले आम है बोलना प्रदूषण। 3 दर्जन है, 1800 रुपये। तो दोस्तों ये देखो आम बहुत ही सुपर हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। 3 दर्जन आम है, 1800 रुपये बोल रहे हैं रेट। अगर आप लेना चाहें तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिस्काउंट हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि हम 800 किलो वजन लोड कर अपनी गाड़ी में दिखाने वाले हैं आपको, तो ये देखो हमारा 800 किलो लोड हो चुका है हमारी गाड़ी में। देख सकते हैं मक्के के कट्टे हैं ये सब। और दोस्तों अब हम यहाँ से निकलेंगे हड़प्सर राम टेकरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम पुणे शहर से बाहर निकल रहे थे, तो यहाँ पे एक चुंगी नाका है और चुंगी नाके पे हमने अपनी गाड़ी रोकी नहीं कि क्योंकि पुणे शहर में कहीं भी इसको कोई पावती लगती नहीं है और हमारी गाड़ी प्राइवेट है। और हम आगे निकल आए थे, हमको पता नहीं था। तो अभी एक सर जी हमें आए हैं पीछे से रोक कर और पावती काट रहे हैं हमारी, और मैं आपको पावती दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये पावती है
250 रुपए की पावती है और पुणे शहर में कहीं भी पावती हमें लगती नहीं है। 1.5 साल हो गया गाड़ी को, हर जगह जाती है। जी सर बताइए सर क्या होगा? चेक कर रहे ना, चेक करने के बाद बोलेंगे। सर जी क्या है? तो दोस्तों हम आपको अब दिखाते हैं कि 800 किलो वजन डालने के बाद में हमारी जो इलेक्ट्रिक ऑटो है कैसी चलती है, कैसी चलती है। और हमारे सामने एक पैसेंजर ऑटो जा रहा है और हम देखते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमारी गाड़ी कैसी चलती है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं 10 से 15 सेकंड में हमारी गाड़ी 40 प्लस स्पीड पकड़ती है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं इसकी जबरदस्त ताकत, स्पीड, परफॉर्मेंस। दोस्तों ये हमने 800 किलो वजन डालने के बाद अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। 800 किलो वजन लेकर हमारी गाड़ी इस प्रकार से चल रही है। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पावरफुल है। और दोस्तों ये देखो बजाज का चेतक जा रहा है, बजाज का चेतक स्कूटर। इंडिकेटर दिया यहाँ का, जैसे 3 से पूछ किया हड़प्सर राम टेकरी। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा हमारी महिंद्रा इलेक्ट्रिक को क्या शानदार जबरदस्त पिकअप पकड़ती है। और 10 से 15 सेकंड में 800 किलो वजन डालने के बाद एकदम शानदार गाड़ी चल रही है हमारी। कुछ भी प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इंडिकेटर पकड़ ले, बंद कर दे। तो दोस्तों हम आपको अभी और दिखाने वाले हैं कि हमारी गाड़ी टोटल कितने किलोमीटर चली और कितनी उसकी बैटरी ख़त्म हुई। 800 किलो वजन डालने के बाद में कितने किलोमीटर में कितनी बैटरी ख़त्म हुई। दोस्तों हम आपको अभी यही दिखाने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। अच्छा तुम्हें पकड़े रहा ना। दोस्तों कितने सुंदर झाड़े लग रहे हैं यहाँ, बहुत ही शानदार एकदम।
दोस्तों, ये आज के ज़माने का इंडिया है, न्यू इंडिया। और हमारा अपना शहर पुणे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बस, स्मार्ट ट्रेन, स्मार्ट ऑटो, हमारी सभी चीज़ स्मार्ट है और हम भी स्मार्ट। जी ठीक है, चलो बाबा की सेवा में। तो दोस्तों, हमारी ऑटो पहुंच चुकी है और हम पहुंच गए हैं जहां हमें माल खाली करना था। माल खाली भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। वीर गुर्जर समाज हड़पसर पुणे, भगवान श्री भैरवनाथ मंदिर, हड़पसर राम टेकरी। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है और गाड़ी खाली हो रही है दोस्तों। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ हुआ क्या है रास्ते में। दरअसल चुंगी नाका वालों ने हमें रोक लिया था रास्ते में और हमसे पावती काटने के लिए बोल रहे थे और हमसे पैसा मांग रहे थे। तो हमने बोला, भाई बताओ तो ये किस चीज़ की पावती है, क्या है इसका मतलब, क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने फिर बताया हमें। तो दरअसल वो पावती किस चीज़ की करती है कि जिसकी गाड़ी बिजनेस यूज में लगी हुई है, जिस गाड़ी का नंबर प्लेट पीला रहता है, तो उस गाड़ी का वो आपकी है क्या, तो उस गाड़ी की वो पावती काटते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी प्राइवेट है, पर्सनल है, इसके लिए हमें पावती नहीं लगती है। और आज 1.5 साल से हमारी गाड़ी चल रही है पुणे शहर में, तो हमें पावती कहीं भी नहीं लगी। तो जब हमने उन्हें सब ये बताया, उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया, इसके बाद हमें छोड़ दिया गया, हमसे पावती का पैसा नहीं लिया गया। तो दोस्तों, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट ग्रीन है या वाइट है या पीला है। और पीला का मतलब होता है जो गाड़ी बिजनेस यूज में चलती हैं, जैसे सवारी रिक्शा हो गया, और भी गाड़ियाँ रहती हैं जिसके नंबर प्लेट पीले रहते हैं, वो मतलब बिजनेस यूज में चलती हैं। और जिस गाड़ी का नंबर प्लेट वाइट होता है, उसका मतलब वो गाड़ी प्राइवेट है। और जिस गाड़ी का नंबर प्लेट ग्रीन होता है, उस गाड़ी का मतलब है कि वो गाड़ी इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई भी डीजल पेट्रोल गैस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने वीडियो को लाइक किया है और ये हमारी ऑटो में बैठकर देख रहे हैं। इन्हें शायद ऑटो बहुत पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, अभी हमारी गाड़ी खाली हो चुकी है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपनी गाड़ी में 800 किलो मक्का लोड कर रहे हैं और हमें हड़पसर जाना है। और हम आपको इसकी जानकारी देने वाले थे कि हमारी गाड़ी में कितनी बैटरी ख़त्म हुई है, कितने किलोमीटर चली है 800 किलो वजन डालकर। तो दोस्तों, अब हमारी गाड़ी खाली हो चुकी है पूरी तरह से। और हमारी गाड़ी खाली होने के बाद हमने गाड़ी को साइड में लगाया है और हम आपको अब दिखा रहे हैं कि 78 किलोमीटर हमारी गाड़ी अभी जा सकती है। और जब हमने लोड किया था तो 97 या 96 था, तो 96 थे 7 तक आ गया। तो यानी कितने पॉइंट हमारी बैटरी गई और गाड़ी कितने किलोमीटर चली, वो हम आपको बताते हैं, दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं मीटर में कि 97 पॉइंट बता रहा था, यानी कि 97 किलोमीटर हमारी गाड़ी जाती। और हमने लोड किया, लोड करने के बाद में 10 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली 800 किलो वजन लेकर। और 10 किलोमीटर में 19 किलोमीटर चलने के बराबर हमारी गाड़ी बैटरी ख़त्म हुई, यानी कि 800 किलो वजन डालने के बाद में आज हमने अंदाज़ा लगाया है परफेक्ट कैलकुलेटर के साथ, तो हमारी गाड़ी में 10 किलोमीटर 800 किलो वजन डालकर 10 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाया, तो उसमें 19 किलोमीटर जाने के बराबर हमारी गाड़ी बैटरी
खा गई है, यानी इतना यूज हुआ है। तो दोस्तों यही था मेन फंडा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बात आपके समझ में आ गई होगी, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।